सबसे पहले बात करेंगे खानपुर की, जहां पर जनपद हरिद्वार के खानपुर के बड़े ही तिराहे पर शासन ने फ्लाई ओवर अंडरपास बनाने की स्वीकृति दे दी है और इस पर भारतीय किसान यूनियन सेना के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। बता दें कि तिराहे पर अंडरपास बनाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन सेना ने बीते दिनों अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। बीकेयू सेना के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इरफानी बताया कि करीब 60 गांव के लोग यहां से होकर गुजरते हैं और अंडरपास ना बनने से हर समय दुर्घटना होने का भय रहता है। उन्होंने कहा कि बाकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। यूनियन के जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा। कामगारों का, मजदूरों का, किसानों का जो शोषण हो रहा है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एक मांग हमारी मान ली गई है, ये हमारा 13 सूत्रीय मांग पत्र है। अगर इस पर तुरंत कार्रवाई तत्काल में नहीं की गई तो किसान सेना रोडवेज अड्डे को भी बंद करने का काम करेगी, सड़कों को जाम करने का काम करेगी और तमाम जितने ये अधिकारी बैठे हैं उनके दफ्तरों में ताला गिरने का काम करेगा। फोकस 2 साल से चल रहा था, 2 साल में जाके हमें कामयाबी मिल गई। आगे भी अगर कोई ऐसा मामला होगा उस पर भी हमारा फोकस ऐसे ही रहेगा। जैसे हमें इसमें कामयाबी मिली है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कामयाबी।